ओके गुड आफ्टरनून, आई एम सोनम वर्मा रिप्रेजेंटिंग माय ग्रुप एंड प्रेजेंटिंग माय टॉपिक सेलमेंका कॉन्फ्रेंस। सात से 10 जून के बीच 1994 में स्पेन में एक जगह है सेलमेंका, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ऑलमोस्ट 300 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो 92 गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये कॉन्फ्रेंस स्पेशल एजुकेशन पे हुई थी, क्योंकि ये सेलमेंका में हुई थी इसलिए इसका नाम सेलमेंका कॉन्फ्रेंस पड़ा। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था एजुकेशन फॉर ऑल का जो मोटो था उसको और आगे ले जाना और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना। सेलमेंका कॉन्फ्रेंस एकाएक किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम शुरू करेंगे, ये बहुत पहले से चल रहा था, तो इसे इस थ्योरी पे बिल्ड किया गया। इसे दोबारा से द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन जो 1990 में हुई थी उसके सबको दोबारा से रीअफर्म करना, यानी दोबारा से स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करना, रिकॉलिंग इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कि यूएन डिक्लेरेशन 1993 में हुई थी उसको रिकॉल करना, और नोटिंग जो स्पेशल अटेंशन देना था वो सभी गवर्नमेंट्स ग्रुप्स और कम्युनिटी और पेरेंट्स ग्रुप को इसमें स्पेशल उनके अटेंशन को डालना था। सेलमेंका स्टेट्समैन सेज दैट एवरी चाइल्ड हैज बेसिक राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन सबका बेसिक राइट है। एवरी चाइल्ड हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड लर्निंग नीड्स, और इन सब नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो उनकी नीड्स को पूरा कर सके। सभी स्पेशल एजुकेशन नीड्स वालों को हम रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन करा पाएं और रेगुलर स्कूल्स में ऐसा इंक्लूसिव एथोस हो जाए ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकें। सच स्कूल प्रोवाइड इफेक्टिव एजुकेशन टू मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन उसमें एडमिशन ले सकें। इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट बताया गया कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए नए लॉज और पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा दें, हमें दूसरे कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करना है और अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करने हैं, ऐसे प्लान बनाने हैं, इवेलुएशन करना है जिससे वो इंक्लूसिव को बढ़ावा दे सके। टू इंक्रीज इंकरेज एंड मेक इजी पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल, टू इन्वेस्ट इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज, टू इन्वेस्ट उसमें वोकेशनल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूसिव एजुकेशन में डालना, और ऐसा प्रोविजन बनाना कि उसमें टीचर्स पूरे एडुक्वेट अमाउंट में टीचर्स का भी पार्टिसिपेशन हो। रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी बताई गई जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आए। यूनेस्को का रोल रहा कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को हर एजुकेशन पॉलिसी में बात करें। पहले इससे पहले ये हुआ था कि हम लोग सिर्फ एजुकेशन फॉर ऑल की बात किया करते थे, मगर सेलमेंका स्टेटमेंट के बाद से हमने इंक्लूजन की बात शुरू की थी। तो इसमें टीचर्स एजुकेशन को भी बढ़ावा देना है जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। इस क्षेत्र में रिसर्च स्टार्ट करनी है और 1996 से 2001 के बीच के जितने भी फंड हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन पर खर्च किए जाएं। इसमें एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि हम लोग कैसे काम करेंगे। इसमें फ्रेमवर्क में पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन पहला था जिसमें हर चाइल्ड की स्पेशल नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं जो नेशनल, लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो ताकि बच्चे अपने नेबरहुड स्कूल में जा सकें। दूसरा था स्कूल फैक्टर्स। स्कूल फैक्टर्स में करिकुलम, बिल्डिंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, पेडागॉजी, असेसमेंट, ये सब ऐसा हो
जो उन बच्चों को भी इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे सके और बच्चों के स्पेशल नीड्स को पूरा कर सके। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशनल पर्सनल्स, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और इन सर्विस भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ताकि वो डिसेबल्ड और स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस की जरूरत को पूरा कर सकें। एक नॉर्मल टीचर उनकी नीड्स को नहीं पूरा कर सकता, उन्हें एक ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा जिससे वो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स की भी नीड को पूरा कर सकें। एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विसेज, एक्सटर्नल सपोर्ट जो अदर रिसोर्सेस हैं, ये सिर्फ टीचर या किसी गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो आए और इंक्लूसिव को बढ़ाएं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें बच्चों को पढ़ाने की। इसमें सभी, जैसे कोई एडवाइजरी टीचर है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो भी आए और अपना उसमें राय दें, बेस्ट टेक्निक दें जिससे हम लोग स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को बढ़ावा दे सकें। इसमें प्रायोरिटी एरिया से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, इसमें कम्युनिटी पर्सपेक्टिव्स को ऐड किया गया इनके फ्रेमवर्क में, जिसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्कूल्स नहीं इस पे काम करेंगी, इसमें पेरेंट्स भी आएंगे, कम्युनिटीज भी आएंगी, जो छोटी लोकल बॉडीज हैं जो इस इंक्लूजन पे काम कर रही है वो भी पार्टिसिपेट करेंगी और अपना सपोर्ट देंगे इंक्लूजन को बढ़ावा देने में। जितने भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा ताकि एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाया जा सके। तो ये था सेलेमेंग का स्टेटमेंट। इसमें पहले हमें गाइडलाइंस दी गई थी रोल्स गवर्नमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को, और उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन दिया गया था कि हमें इस फ्रेमवर्क पे काम करना है। सेलेमेंग का स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट था जिसने इंक्लूजन को अपने बढ़ावा दिया था। इससे पहले सिर्फ एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी। तो थैंक यू।